उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित यूथ एस जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति कहती है कि पूरा संसार हमारा परिवार है। कुछ साल पहले कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन इस दौरान हमने और पूरे भारतवर्ष में मानव सेवा की, नागरिकों के साथ विश्व को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई। मैं युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं। वो भारत के ज्योतिपुंज और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने हमारे सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं को मूल मंत्र बनाकर युवा आज राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे युवाओं का समर्पण संपूर्ण राष्ट्र को ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा के लिए उत्साह और उमंग दोनों जरूरी होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का उत्तराखंड से भी आध्यात्मिक रिश्ता रहा है। मैं आज इस अवसर पर सनातन संस्कृति और हिंदू दर्शन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले महान संत, आध्यात्मिक गुरु, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, इतिहास पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। और हम स्वामी जी को क्यों नमन करते हैं, हम युवा दिवस क्यों मनाते हैं, स्वामी जी का बार बार स्मरण क्यों करते हैं? हम इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी आयु में भी अपने जीवन के एक एक तिल को गलाने का काम किया, एक एक तिल को लगाने का काम किया और विश्व पूरे विश्व में भारत की ध्वजा को फहराने का काम किया। इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इसीलिए हम स्वामी विवेकानंद जी हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वो भारतवर्ष के महान ज्योतिपुंज थे। उन्होंने अपना छोटा जीवन काल था, रेखा जी ने बताया 39 वर्ष की आयु में, और हमने यहाँ देखा अभी इस प्रकार से जो यहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी कि 39 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन 39 साल की आयु, कहते हैं कि एक दिन भी एक क्षण भी बहुत होता है काम करने के। वो उन्होंने हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन चाहे छोटा हो बड़ा हो, जितना भी समय हो, हर क्षण और हर पल का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर के युवाओं को जिस प्रकार जीवन जीने की सही कला और लक्ष्य तक पहुंचने की जो मार्ग बताया, जो राह बताई, वो भूतों न भविष्य थी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति कर